गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से है, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का नाम है राजेश जोशी। इस कविता को हम पढ़ चुके हैं, कल हमने इसको रीड किया था, समझा था। आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी जो कविता की पहली दो पंक्तियां हैं उनको पढ़ने से हमारे मन में जो चित्र आता है, जो समझ आती है, उसके बारे में लिखना है। उत्तर देखिए, सर्दियों की धूम भरी सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखना दुखदायी। जो सर्दियों की जो होती हैं सड़क, सर्दियों में जो कोहरा होता है, यानी धूप से भरी सड़कें हैं और उन पर जो छोटे छोटे बच्चों को हम काम पर जाते हुए देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, यानी दुखदायी होता है। उनकी आयु अभी काम पर जाने की नहीं बल्कि खेलने कूदने और स्कूल जाने की। छोटे बच्चों की आयु किस चीज़ की होती है? खेलने की, कूदने की, मौज मस्ती करने की, स्कूल जाने की होती है। यदि वे अभी से बड़ों वाला कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बचपन का क्या हुआ? ये हमने पहले जो दो पंक्तियां पढ़ी थी कविता में, उस उनको पढ़ने से ही हमारे मन में ये बात आती है। प्रश्न नंबर दो, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की जगह विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किसी बात का विवरण न देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? उत्तर देखिए, छोटे बच्चों को काम पर भेजने का कार्य उनके माता पिता, अभिभावक और जीवन की व्यवस्थाएं हैं, इसलिए समाज से प्रश्न किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों ने काम पर जाना आरंभ कर दिया तो उनका बचपन कहाँ गया? उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया? उनकी खेलकूद कहाँ गई? वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर जल्दी ही बड़े हो गए हैं। प्रश्न नंबर तीन, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? क्योंकि देखिए, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो उनके पास उनके लिए खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर चार, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है या देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यानी जब छोटे बच्चे काम पर जाते हैं तो सभी उनको देखते हैं लेकिन किसी को भी वो अलग नहीं लगता, ऐसी उदासीनता क्यों है, क्या कारण है इसका? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त किए जाने वाले सुखों तक ही सीमित है। उसे दूसरों के बच्चों के स्कूल जाने या न जाने से कोई मतलब नहीं है। वे सब स्वार्थी हैं। घरों, दुकानों, उद्यानों में छोटे छोटे बच्चे कम वेतन पर काम करते हैं। वे खेतों में काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, यानी कूड़ा उठाने जाते हैं, भीख मांगते हैं, पर पढ़ते नहीं हैं। माँ बाप भी खुश हैं कि वे कुछ तो कमा कर लाते हैं, उनसे खाना तो नहीं मांगते। उन सब की उदासीनता के अपने अपने कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है। प्रश्न नंबर पाँच, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? हमने अपने शहर में बच्चों को दुकानों में काम करते देखा है,
घर बाहर की सफाई करते देखा है, कूड़ा बीनते और बोझ ढोते देखा है, यानी कूड़ा उठाते हुए और बोझ उठाते हुए देखा है। उन्हें घरों में नौकर के रूप में देखा है, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे के घरों में नौकर का काम करते हैं। ढाबों पर खाना पकाते और परोसते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है। यह एक हादसे के समान है। यदि वे अभी से काम पर जाने लगेंगे तो वे स्कूल नहीं जा सकेंगे, खेल कूद नहीं सकेंगे, उनका बचपन अधूरा रह जाएगा, वे अनपढ़ रह जाएंगे और जीवन में उचित मार्ग प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बचपन में ही बिगड़े हुए लोगों की संगत पाकर बिगड़ जाएंगे, उनकी बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। यानी ये कभी कोई हादसे की समान इसलिए लगता है कि भाई अगर बच्चे अभी से स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो उनका बचपन है जो वो अधूरा रह जाएगा। और बचपन अधूरा रहेगा तो वो क्या करेंगे, जो बचपन में ही बिगड़ जाएंगे, अर्थात दूसरे जो बुरे लोग होते हैं बुरी संगति में वो पड़ जाएंगे, उनकी बुद्धि का विकास भी नहीं अच्छे से हो पाएगा, यानी कि जो बच्चों का जीवन है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से कवि ने बताया है कि बच्चों का काम पर जाना धरती में एक बड़े हादसे के समान है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पाठ है यानी कविता हमारी नंबर 17, आपको इन सभी प्रश्नों को प्रश्न उत्तरों को अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है और उसके बाद इनको याद भी करना है।